अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक कोट की तरह की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी पर्पज़ के लिए। जिस तरह की डिफरेंट कोट्स वाली जो हैं वो डिज़ाइन पोस्ट आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उस तरह के डिज़ाइन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ए डिज़ाइन के ऊपर, और क्रिएट डिज़ाइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल कोड्स। और यहाँ पे देखिए आप किस तरह का साइज़, वो साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। आप ट्विटर के लिए करना चाह रहे हैं, फेसबुक के लिए करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम एनिमेटेड करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया जो है उसके लिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं एक एनिमेटेड पोस्ट जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। और यहाँ पे देखें, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो है वो पोस्ट यहाँ पे हमारे पास नज़र आ गई हैं, टेम्पलेट्स नज़र आ गई हैं। अब मेरी नीड के मुताबिक जो भी मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, जो भी मुझे चाहिए होगा, उस तरह का जो पोस्ट है वो मैं यहाँ से ले लूँगा। अब मैं इस कैनवा को प्रो के अंदर स्विच कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देखें ये वाली जो टेम्पलेट्स हैं प्रो वाली, ये अब मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैनवा प्रो है। अदरवाइज आपके पास फ्री होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें एक पोस्ट जो है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने मौजूद है। आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक दैट। अदरवाइज अगर आपकी नीड के मुताबिक कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह का ये वाला कोट यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी कोट लिखना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अपना, अब मुझे यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग भी करनी होगी, ऑब्वियसली बात है अपने ब्रांड की, जिस चीज़ के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना लोगो जो है वो अच्छी तरह से एक वाटर मार्क लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना लोगो जो है वो यहाँ से मैं अपलोड कर दूँगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ऑलरेडी लोगो अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा कहीं पे भी, जहाँ पे भी मुझे अच्छा लगेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, या फिर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ इसकी जगह। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह अपना लोगो लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर दूँगा राइट। और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी ब्रांडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो गई, उसी तरह से जिस तरह से हम चाह रहे थे राइट। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट इसके अंदर आप यूज़ करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को, ये इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट स्टाइल आप चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे ब्रांड का कलर थोड़ा सा इस तरह से है, तो मैंने क्या किया, उस तरह से उसका कलर चेंज कर दिया राइट। इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट डालना चाह रहा हूँ, ग्लोइश सा इफ़ेक्ट इस तरह से या इस तरह से, तो वो मैं इफ़ेक्ट्स यहाँ से डाल सकता हूँ जिस तरह से ये हमारे पास। अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल प्लेन रख सकता हूँ राइट। और यहाँ पे मैं इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ, जैसे अब यहाँ पे जो एनिमेटेड है वो टाइपराइटर वाली है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये एक पूरा कोट अच्छे से डिज़ाइन हो गया। और इसके अलावा यहाँ से पोजीशन है, यहाँ से कॉपी स्टाइल है, और यहाँ पे कोई अगर आप लिंक ऐड करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर तो लिंक लगा सकते हैं राइट। इसके अलावा इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसका साइज़ टेक्स्ट का बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कोट है हमारी अपनी ब्रांडिंग के साथ अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से एक कोट वाली पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ब्रांडिंग के साथ। बहुत ही ईजी सी ट्रिक थी, बहुत ही ईजी से प्रोसेस था। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। अगर आपको कैनवा के बेसिक एलिमेंट भी नहीं आते तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पीछे रिकॉर्ड की हुई हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।